सभी को नमस्कार। आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग कला की परिभाषा और कला का अर्थ जानेंगे। आखिर कला की परिभाषा, अगर आपसे पूछ दे कोई कला क्या है तो आप उस समय क्या बताएंगे? आप कुछ दिखा सकते हैं, कुछ उनको समझा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी परिभाषा आपको बतानी है तो क्या बताएंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग कला की परिभाषा जानेंगे, कला का अर्थ जानेंगे और कला क्यों किया जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कला की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक या निपुणतापूर्वक करना जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, वही क्या है? कला है। एक कला की परिभाषा है, ठीक है? इसको हम आसानी भाषा में आपको आसान से आसान तरीके से समझाएंगे, लेकिन ये आपकी किताबी भाषा है कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक या निपुणतापूर्वक करना जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, वही कला है, ठीक है? यानी ऐसा कार्य जिसमें क्या हो, जिसमें हम दक्ष हों, कुशल हों और निपुण हों, ठीक है? सीखने वाली बात नहीं है यहाँ पे, पूरे कुशलता की बात की जा रही है और निपुणता, जिसमें हम पूरी तरीके से निपुण हो, ठीक है? करना जिसमें क्या हो, आनंद की अनुभूति हो, वह क्या है? कला है। यानी कि किसी भी कौशल पूर्ण कार्य को कला कहा जा सकता है, ठीक है? यानी कि किसी भी कौशल पूर्ण कार्य जिसमें आप बिल्कुल दक्ष हों, ठीक है? जैसे उदाहरण के रूप में, जब कोई आर्टिस्ट आर्ट बनाता है और उसमें वो पूरी तरीके से दक्ष है, तब उसको आर्टिस्ट कहा जाता है। जब वो पेंटिंग बार बार बनाएगा और बार बार वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो अपने कार्य में क्या हो गया है, उसको कुशलता हासिल हो गई है, कौशल पूर्ण कार्य करने लग रहा है वो, ठीक है? वो अपने काम में क्या हो गया, निपुण हो गया, अपने कार्य में बिल्कुल निपुण हो अगर हो जाएगा तो उस कार्य, उसके बाद जो कार्य करेगा उसी को कहते हैं कला। यानी कि कोई अगर रोने की एक्टिंग कर रहा है और बिल्कुल आपको ऐसा ही आभास हो रहा है कि सच में वो रो रहा है जबकि वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो भी क्या है? कला है। सुनार जब सोना से कोई हार बनाता है, कोई उसे कोई गहना बनाता है जो देख के सुंदर लगता है, तो वो भी एक क्या है? कला है। कोई संगीतज्ञ जब कोई संगीत बजाता है और वो सुन के हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, तो वो भी क्या है? एक कला है, ठीक है? कहने का मतलब कौशल पूर्ण कार्य, कुछ भी मतलब ढोलक लेके ऐसे पीट देने से वो आर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? जब तक आपको उसमें कुशलता नहीं हासिल हो, जब तक आप पूरी तरीके से कुशल नहीं होंगे, तब तक क्या होगी, आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। ना तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, ना तो सामने वाले को आनंद की अनुभूति होगी। यानी कि जिसमें क्या हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वही क्या है? कला है। यानी कि किसी भी कौशल पूर्ण कार्य के हो को ही आप कला कहेंगे, ठीक है ना? किसी भी कौशल पूर्ण कार्य को ही आप कला कह सकते हैं। और अगर इसकी एक परिभाषा बात करें तो मानव जीवन को
मानव जीवन को सुख प्रदान करने वाली या आनंद प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। यानी कि मानव जीवन में जो जिस वस्तु से क्या सुख प्रदान हो रहा है, ठीक है वाली, या आनंद की अनुभूति हो रही है, उस वस्तु को आप क्या कह सकते हैं, कला कह सकते हैं। सीधी सीधी बात, जिसमें आप क्या हो, कौशलपूर्ण कुशलता आपको हासिल हो, ठीक है, या निपुणता हासिल हो, उसी के बाद जो आप क्या करते हैं, जो कार्य करते हैं, जिसमें क्या हो, आनंद की अनुभूति भी साथ में साथ हो रही हो, वो कला है। ठीक है, कोई भी कार्य जिसमें आप क्या हो, कुशल हो और निपुण हो, साथ ही साथ क्या हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, वह कला है। कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, क्या कला जो संस्कृत भाषा का शब्द है। और कहा जाता है कि संस्कृत के ही कल धातु से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। कला शब्द की उत्पत्ति इस कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। ठीक है, परंतु कुछ लोग का विचार है कि इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से हुई है, कड़ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। कला जो शब्द है, कला, ये जो कला शब्द है, सबसे पहले बात अगर पूछा जाए कि कला शब्द सबसे पहले कहाँ आया था, तो कला शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। ठीक है, कला शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। ठीक है, कला शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया, ऋग्वेद, श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद, ये चार वेद हैं, उसमें सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद, उसी में सबसे पहले कला शब्द आया था। ठीक है, उसमें एक शब्द आया था यथा सफ, तो यहाँ पे जो यथा कला लिखा है, ये शब्द पहली बार आ गया था ऋग्वेद में, जबकि इसका अर्थ कला नहीं था, ऐसे ही शब्द आ गया था। ठीक है, इसका अर्थ कला नहीं था बस, लेकिन शब्द तो आ ही गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक अर्थ में कला के लिए कला शब्द कब आया, तब इसका जवाब बदल जाएगा। तब इसको आप बताएंगे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या हुआ, वास्तविक अर्थ में कला शब्द आया।
ठीक है। तो वास्तविक जो अर्थ, जिसका कला शब्द आया भी और उसका अर्थ भी कला था, वो पहली बार ये भरत मुनि के द्वारा एक शास्त्र लिखा गया था जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो इसी नाट्य शास्त्र में कला शब्द आया था, जहाँ पर कला के लिए कला शब्द आया था। यहाँ पर कला के लिए शब्द नहीं आया, बस ऐसे आ गया है, ठीक है, किसी वजह से कला शब्द आ गया है, लेकिन यहाँ पर कला के लिए कला शब्द आया। अरे समझ में? तो इस नाट्य शास्त्र में, ये जो आपका ये नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसमें एक जगह आया है न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला, यानी कि न तज ज्ञानम, यानी कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, न तज शिल्पम यानी कि ऐसा कोई शिल्प नहीं, न तज शिल्पम ऐसा कोई शिल्प नहीं, न सा विद्या ऐसी कोई विद्या नहीं, न सा कला जो कला नहीं, ठीक है, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला, यानी कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो क्या, जो कला नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या कहा जा रहा है, यानी कि कला बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जो कि कला न हो, ऐसा कोई शिल्प नहीं है जो कला नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो कला नहीं है। तो ये इसी नाट्य शास्त्र में बात आई है, और इन सारी चीज़ों को क्या बोला गया, कला बोला गया। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक अर्थ में पहली बार नाट्य शास्त्र में ही क्या आया था, कला शब्द आया था, ठीक है। अब एक शब्द आता है कि चलिए, जब हम बात कर रहे हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली बार कला शब्द आया वास्तविक अर्थ में, यानी कि इनके पहले भी तो कला बनती थी, तो उस समय कला को क्या बोला जाता था, ठीक है। तो इससे पहले कला को शिल्प बोला जाता था, शिल्प बोला जाता, ठीक है, प्राचीन समय में, लिख लीजिए चाहे तो, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में कला को शिल्प बोला जाता था, ठीक है। प्राचीन समय में कला को शिल्प बोला जाता था, और कलाकार को शिल्पी बोला जाता था, ठीक है। कला को शिल्प और कलाकार को शिल्पी बोला जाता था। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूरोप में कला को आर्ट बोला जाता है, आर्ट, और ये जो आर्ट है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका प्रचलन तेरहवीं शताब्दी से माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा परिचय का क्लास रहा, आर्ट के बारे में कुछ न कुछ आपको थोड़ी मोटी जानकारी हुई होगी। अब हम विषय पे डायरेक्ट चलेंगे और विषय पे आपके बात करेंगे अगले क्लास से। तो ये रहा परिचय, आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।